स्टूडेंट्स, हेलो। आज मैं स्टैंडर्ड फोर्थ का साइंस में एक टॉपिक है फूड एंड हेल्थ, उसके बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगी, आप लोग को बताऊंगी। पार्ट वन इसलिए लिखे है कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो आप छोटे हैं, बच्चे हैं, तो एक साथ पूरा चैप्टर आप लोग को अगर एक साथ मैं आज पढ़ा दूंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आधा समझ में आएगा और आधा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सोचा कि आज मैं उसका हाफ पोर्शन पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट वीक आपको मैं हाफ पोर्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो समझ में भी अच्छा से आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आज का चैप्टर है फूड एंड हेल्थ, जो कि आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। और तो क्या हो गया फूड? फूड क्या है? खाना। खाना हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है? खाने से जो भी इंसान है, जो भी लिविंग थिंग्स है, जिन लोग में जान है, उन लोग को खाना चाहिए। बिना खाने के वो लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। जैसे कि फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स टू स्टे अलाइव, मतलब खाना जो लोग लिविंग बींग्स हैं, जो लोग में जान है, उन लोग के लिए जिंदा रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है खाना। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमको क्या देते हैं? खाना हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, काम करने का जो एनर्जी होते हैं, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ताकत तो हो गया, एनर्जी मतलब एनर्जी जो होते हैं वो। और खेलने के लिए जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो लोग खेल कूद करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, उन लोग के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चीज है। मतलब जो भी इंसान है, जो भी इंसान बोलिए, एनिमल बोलिए, जो लोग में जान है, सबको खाना बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है, ठीक है? इट कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। ये क्या करते हैं? खाना हमें हेल्दी रखते हैं, हेल्दी मतलब स्वस्थ रखते हैं। ठीक ठाक खाना आप खाएंगे, सही बैलेंस करके खाना आप खाएंगे, प्रॉपर खाना आप खाएंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। एंड हेल्प्स अस टू ग्रो, बड़े होने में, हम लोग को बड़ा होने में मदद करते हैं, अच्छे से ग्रो होने में। वैसे तो जो जन्म लेते हैं वो तो बड़ा होते ही है, लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से बच्चे हैं जो कि उन लोग को जो मतलब हेल्थ इशू है, उन लोग को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, तो उन लोग का ग्रो होने में दिक्कत होता है, बहुत सारे उन लोग को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज उन लोग को खाना सही बैलेंस डाइट नहीं मिलता है करके। तो खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैलेंस डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो खाना आप हेल्दी खाना जो खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य को भी वो ठीक रखेगा। तो आज का टॉपिक हम लोग का यही है, खाना और स्वस्थ, फूड एंड हेल्थ, यही हम लोग का टॉपिक है। तो खाने में मेन जो पार्ट है वो क्या है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट पोषण जो आपको मिलेगा जो आप खाना खाते हैं, वो पोषण मिलना जरूरी है। तो पोषण के लिए न्यूट्रिएंट में बहुत सारे भाग हैं, ठीक है? देखिए, न्यूट्रिएंट में बहुत सारे कैटेगरी है, बहुत सारे ग्रुप्स है। न्यूट्रिएंट में सबसे पहला ग्रुप में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट वो चीज है, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, अभी खाली जस्ट बेसिक बता रही हूँ कि न्यूट्रिएंट के अंदर में क्या क्या चीज आता है। कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन्स आता है, फैट्स आता है, साथ में विटामिन्स आता है, मिनरल्स आता है, रफेज आता है और वाटर आता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये क्या है इसके डिटेल में आपको अभी हम बताएंगे, ठीक है? तो ये चीज हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सातों तत्व हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर बैलेंस नहीं होता है तो अपना शरीर बिगड़ जाता है, शरीर खराब हो जाता है, आपका बॉडी वेट बैलेंस खो देता है, मोटापा आ जाता है, या तो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं इंसान खाना ना मिलने पर, प्रॉपर पोषण ना मिलने पर। तो ये चीज, ये सात तत्व जो है हम लोग का शरीर के खाने खान मतलब शरीर को बॉडी को बैलेंस करने के लिए मदद करता है। तो अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोटीन फैट्स विटामिन मिनरल रफेज और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से खाने में रहते हैं, कौन सा खाना में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा रहते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, सीरियल्स मतलब क्या हो गया, राइस हो गया, व्हीट, गेहूं, चावल, ब्रेड जो होता है, वो सब में आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहते हैं। सीरियल्स, ब्रेड्स, चॉकलेट्स, शुगर मतलब फ्रूट्स में, फल फल में, सब्जियों में, चावल में, आटा में, गेहूं में, ब्रेड में, चॉकलेट्स में, शक्कर में, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या फायदा होता है। गिव्स अस एनर्जी, हेंस दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, काम करने की एनर्जी। आप जो अगर आप काम करते करते थक जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो थकान को रोकता है, थकान होने से रोकता है, आपको एनर्जी देते हैं और काम करने के लिए, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है वो खाने को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये खाने से, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से आपको एनर्जी मिलता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का खाना, जो खाने में कार्बोहाइड्रेट है उसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अब कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है, एक है शुगर और एक है स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च मतलब फेना, मतलब क्या बोलते हैं, चावल अगर आप बनाते हैं, चावल का पानी अगर आप निकालेंगे, माड़ कहते हैं बंगाली में, और स्टार्च फेना बोलता है ना, चावल का जो पानी होता है वो होता है स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है वो राइस में होता है, वीट में होता है, गेहूं में भी होता है स्टार्च, बनाना में होता है, फल में, केले में होते हैं, और आलू में होते हैं, पोटैटो में होते हैं। तो स्टार्च कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स यहाँ पे नहीं है, स्टार्च आपका इसमें होते हैं, वेजिटेबल्स है, पोटैटो है उसमें होता है स्टार्च, इसके अलावा आपका राइस में होता है, वीट में होते हैं, चावल में होता है, गेहूं में होता है, जैसे कि गेहूं मतलब आप उससे ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, राइस से हम राइस का इडली बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब में क्या होता है, स्टार्च होता है, और ये राइस वीट इसको क्या कहते हैं, सीरियल कहते हैं। ठीक है, टीवी सीरियल नहीं, सीरियल। ठीक है, सीरियल कहते हैं, और इसे जस्ट मजाक कर रही थी। और तो ये हो गया आपका स्टार्च वाला खाना जो कि कार्बोहाइड्रेट के अंडर में आते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अंडर में और एक चीज आता है, वो है शुगर, शक्कर, चीनी, मीठा जो चीज होती है। शुगर कैन मतलब गन्ना, शुगर कैन जूस मतलब गन्ने का रस, गन्ने का रस से बहुत सारी चीजें बनता है। ठीक है, फिर मिठाई जो स्वीट होता है, स्वीट्स बनते हैं गन्ने का रस से, फिर आपको शक्कर होता है, शक्कर से आपको चॉकलेट्स है बनता, मतलब मीठा जो भी चीज आप खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में आता है। तो ये स्टार्च वाला खाना हो गया, ये मीठा वाला खाना हो गया,
जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है, ये उन लोग के लिए बहुत जरूरी है। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर पीपल। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, हम लोग के जो श्रमिक होते हैं, हम लोग जो लेबर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर गांव में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन लोग का मेहनत बहुत ज्यादा होता है। आप बिलीव नहीं करोगे उन लोग कितना मेहनत करते हैं, और उन लोग की मेहनत के वजह से हम लोग को खाना मिलता है, तो उन लोग को तो हम लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में बहुत ऐसे किसान हैं जो कि जो खेत में खेती बाड़ी करते हैं, उन लोग को इतना उन लोग उपज करते हैं, इतना उन लोग खेती में ग्रो करते हैं, फिर भी उन लोग को खाना प्रॉपर नहीं मिलता है। ऐसा है देश का हालत, क्या बोले। खैर, आप बहुत बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन आप लोग को भी समझना जरूरी है कि खाना हम लोग के पास जो आता है गांव से आता है। एक्चुअली में बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है, फिर आपका वीट है, जो सीरियल्स है, ये सब गांव से आता है, विलेजेस से आता है, जहाँ पर जो खेत में जो किसान लोग बहुत मेहनत करते, कड़े धूप में, बारिश में, वो लोग ना थक के सब वो लोग उगाते हैं, फसल उगाते हैं, और जिसके बाद वो खाना ये शहर में आते हैं, जो कि हम लोग हम खाते हैं। बच्चे, बहुत बच्चे जो है खाना वेस्ट भी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, खाना वेस्ट मत कीजिएगा। खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने शरीर के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो उसे संभालना है, प्रॉपर खाना खाना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है। खैर, बहुत हो गया लेक्चर, आई नो, टॉपिक में आते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स उन लोग को चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स के लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उन लोग का फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्लस जो लोग मजदूर हैं, मतलब जो लेबर्स है, जो लोग बहुत फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो लोग किसान हैं, जो लोग खेत में काम करते हैं, इन लोग को कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उन लोग को काम करने के लिए एनर्जी भी उतना ही ज़रूरी है। तो वो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए उन लोग को कार्बोहाइड्रेट्स खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से चीज में आता है हमको बताया, हम आपको बताया है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ब्रेड, चॉकलेट, शुगर एक्सेट्रा, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक स्टार्ची होते हैं, स्टार्च रहता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और शुगर का होता है, ठीक है। तो स्टार्च वाला हो गया आपका राइस, व्हीट, जो कि ब्रेड, रोटी, इडली वगैरह ये सब आप बना सकते हैं। फ्रूट में हो गया बनाना, पोटैटो हो गया आपके सब्जी में, और भी बहुत सारी सब्जी है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ, ठीक है। शुगर में आपका मीठा, जो भी चॉकलेट्स बोलिए, गन्ने का रस, गन्ना बोलिए, शक्कर बोलिए, जो भी है, जो भी मीठा चीज़ है, वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। तो समझ में आया कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, और कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी रहता है करके ही कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, और कार्बोहाइड्रेट के बाद वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक में हम पढ़ेंगे, वो है प्रोटीन, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन किस में रहता है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन कौन से खाने में रहता है। प्रोटीन रहता है मिल्क, दूध में, पनीर में, बीन्स में, पल्सेस है। पल्सेस किसको कहते हैं, पल्सेस हो गया, हम राजमा खाते, छोले खाते, तो चना, छोले, राजमा, ये सब होता है पल्सेस। तो ये पल्सेस में ही प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। फिर चीज हो गया, एग हो गया, अंडा, फिश हो गया, मछली, मीट हो गया, मांस, और रिच, ये सब बहुत ही प्रोटीन वाला खाना है, रिच इन प्रोटीन, ये सब खाने में प्रोटीन भर भर के है, ठीक है। तो क्या हो गया कि प्रोटीन हम लोग का मसल को बिल्ड करने में मदद करते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या बॉडी बिल्डर्स का जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग
प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते ही नहीं है, बहुत ही कम, मीन्स 1 or 2% होगा कार्बोहाइड्रेट खाते होंगे और प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खाते हैं ताकि उससे उन लोग का मसल्स बढ़े मसल्स बने और वो लोग मस्कुलर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा मजाक कर रही हूँ। तो प्रोटीन वाला खाने से क्या होता है, मसल्स बनता है, बॉडी बिल्डिंग होता है, और इसीलिए प्रोटीन वाला खाना में, जो खाने में प्रोटीन ज्यादा है वो खाने को क्या बोलता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। जो खाने में प्रोटीन ज्यादा है उस खाने को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और हम लोग कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन वाला खाने को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तो प्रोटीन समझ में आया, एक प्रोटीन समझ में आया आपको, और प्रोटीन जो खाने में रहते हैं उसमें वो खाने को अगर आप खाएंगे तो आपका क्या होगा, टिश्यूज रिपेयर होगा, जो बॉडी के अंदर जो मसल्स के अंदर जो टिश्यूज रहते हैं वो रिपेयर होते हैं, और आपको ग्रो होने में भी, बड़ा होने में, ग्रो अप होने, बच्चों के लिए खास करके प्रोटीन वाला खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्दी होती है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कौन सा खाने में फिर प्रोटीन रहता है, मिल्क, दूध में प्रोटीन रहता है, पनीर में, दूध से बने जो भी प्रोडक्ट है, पनीर हो गया, दूध से बनते हैं चीज, चीज बीन्स में, हम जो बीन्स खाते हैं हर तरह के बीन्स, वो हो गया। पल्सेस क्या है, बताया मैंने आपको, राजमा, छोले, चना, ये जो जो होते हैं ये होता है पल्सेस, पल्सेस होता है, और आपका होता है एग, एग में बहुत प्रोटीन रहता है, खास करके एग योक में, मतलब जो पीला वाला हिस्सा रहता है अंदर, उसमें बहुत प्रोटीन रहता है। फिश में रहता है, मछली में रहते हैं, मीट में रहता है, चिकन, मटन, हर तरह के मीट में प्रोटीन बहुत रहता है, हर तरह का मीट होता है तो उसमें प्रोटीन काफी रहता है। दे आर ऑल रिच इन प्रोटीन, मतलब इसमें प्रोटीन का मात्रा काफी ज्यादा है। प्रोटीन बिल्ड आवर मसल्स, रिपेयर द टिश्यूज, हमारा जो मसल्स है उसको बढ़ाते हैं प्रोटीन, जो अंदर जो टिश्यूज है, अगर किसी का टिश्यूज में प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है प्रोटीन, टिश्यूज को रिपेयर करता है, अगर खराब है उसको ठीक करते हैं प्रोटीन, और हेल्प अस टू ग्रो, हम लोग को बड़ा होने में मदद करते हैं प्रोटीन। हेंस फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, जो खाने में प्रोटीन का मात्रा ज्यादा है उस खाने को बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, ठीक है। इसलिए जो लोग बोली, मैं अभी आपको एग्जांपल दी थी, जो लोग मसल्स बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो लोग जिम वगैरह में जाते हैं, वो लोग आप सुने होंगे प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, तो वो लोग बॉडी को, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स को ग्रो करने के लिए, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए वो खाते हैं, और ज़्यादा मसल हो उसके लिए वो लोग प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाना कम खाते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड, ग्रोइंग चिल्ड्रन कौन, छोटे बच्चे, आप लोग जैसे, ठीक है, आप लोग जैसे, आपसे छोटे बच्चे, आपसे थोड़े बड़े बच्चे, आप लोग जब तक ग्रो हो रहे हो, अप टू 18 इयर्स आप लोग ग्रोथ होता है, तो ये ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं उन लोग को प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपको ग्रो होने में मदद करते हैं, और उन लोग को ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्दी फूड होता है। तो ये जो फूड है, ये जो खाना है, आप लोगों को खाते रहना है, खाते रहना है, जो नहीं खाते हैं खाने का, ठीक है बच्चे, खाना ठीक से खाने का, मम्मी पापा को परेशान नहीं करने का, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हम लोग प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट। अभी हम लोग बढ़ेंगे फैट के तरफ। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, अभी हम पढ़ेंगे फैट के बारे में, ठीक है। अब हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। फैट्स क्या है, कौन से खाने में फैट्स रहता है, ऑयल्स में, बटर, नट्स गिव अस फैट, ठीक है। तो फैट कौन से चीज में आता है, घी, बटर, नट्स, मतलब आप खाते हो ना, काजू,
बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब नट्स है, ये सब में ऑयल रहता है, इसमें फैट रहता है, ठीक है। तो ये सब में फैट रहता है, ऑयल में, तेल में, बटर में, मक्खन में, नट्स में रहता है फैट्स बहुत सारा। इसे ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं? सीरियल्स वाला फूड को भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, राइट। फैट वाला खाने को भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्यों? बिकॉज फैट रिच फूड गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब फैट रिच वाला फूड मतलब जो खाने में फैट ज्यादा है वो खाने में ज्यादा एनर्जी रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी रहते हैं उससे ज्यादा एनर्जी रहते हैं फैट वाले खाने में। इसलिए फैट वाले खाने को भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच फूड, बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। बट फैट रिच फूड आर मोर एनर्जी गिविंग फूड बिकॉज दे आर हैविंग मोर, यू विल गेट मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट वाला फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला खाने से आपको जितना एनर्जी मिलता है उससे ज्यादा एनर्जी मिलता है फैट वाला खाने से। इसका मतलब ये नहीं है कि फैट वाला खाना खाते रहें मर जाएंगे, मोटे हो जाएंगे बहुत ज्यादा। एनर्जी वाला खाना किसको ज्यादा खाना चाहिए? जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज वाले लोग कौन है? मैं ये बताई हूँ आपको, जो लेबर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा फिजिकल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, फिर जो लोग खेत में काम करते हैं, फिर बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उन लोग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उन लोग का एनर्जी रहना चाहिए काम में, इसको मेंटेन करने के लिए वो खाना चाहिए। वी शुड टेक लिटिल फैट रिच फूड बिकॉज बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ओनली। मतलब हम लोग को थोड़ा ही फैट रिच फूड खाना चाहिए क्योंकि हम लोग को बॉडी को थोड़ा ही जरूरत होता है, वो थोड़ा ही हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ज्यादा खा के ज्यादा एनर्जी पाने के लिए नहीं खाना है, उससे आपको अच्छा ही नहीं होगा, आपको खराबी होगी, ठीक है। तो खराबी क्या होगी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ज्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा ही बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ा सा ही बॉडी को जरूरत होता है फैट वाला खाना, उतना ही खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, ठीक है। क्यों? एक्स्ट्रा फैट गेट स्टोर्ड अंडर आवर स्किन। आप अगर ज्यादा फैट खाएंगे क्या होगा? एक्स्ट्रा जो फैट जितना बॉडी को जरूरत है वो तो बॉडी ले लेगा, बाकी जो फैट है वो कहाँ जाएगा? आपके स्किन के नीचे, स्किन के नीचे लेयर में वो जमा होता जाएगा, परत दर परत। आप जितना खाते जाओ जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, फैट खाओ, स्किन के नीचे 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 लेयर होते जाएगा, और जो कि जिसके वजह से मोटापा होता है, ओबेस होता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होती है उसके बाद, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हेल्दी रहना है, ओबेसिटी नहीं होना है, ओबेस नहीं होना है, और उसके लिए हमें क्या करना है? फैट जितना ज़रूरत है थोड़ा सा ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा घी मक्खन वाला खाना नहीं खाना है, ठीक है। तो क्या पढ़े हम फैट के बारे में? फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, बल्कि वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और उसका रिक्वायरमेंट बॉडी में, बॉडी का ज़रूरत कितना है? थोड़ा सा ही है, ठीक है। और इसे भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, और इसे हम थोड़ा लेना चाहिए क्योंकि नहीं तो ज़्यादा फैट हो जाएगा तो वो जो ज़रूरत नहीं है बॉडी को वो आपकी स्किन के नीचे जमा होगा, जिससे आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। फैट का कुछ एग्जांपल मैंने इधर लिखा, जैसे कि घी, बटर, ऑलिव ऑयल, वेज ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि नट्स है, नट्स भी है, ये सब फैट रिच फूड है, ठीक है। तो हम फैट के बारे में पढ़ लिए हैं, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़े हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़े हैं, अभी फैट के बारे में पढ़े हैं। अभी हम जो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं,
तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपको हम। तो अभी फैट के बाद अभी हम पढ़ेंगे विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स, विटामिन्स कहाँ मिलता है हमें? विटामिन्स हमको मिलता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा विटामिन्स रहते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स। जो फ्रूट्स में, जो वेजिटेबल्स में विटामिन्स ज़्यादा रहते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहलाता है? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन वाला खाना को कहलाता है प्रोटेक्टिव फूड। क्यों? प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाता है। प्रोटेक्टिव मतलब बचाने वाला। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ज्यादा रहता है वो उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। वी मस्ट हैव डेरी। हमको विटामिन्स रोज खाना चाहिए। हमारे जो डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसमें विटामिन्स होना रोज बहुत जरूरी है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स, कितने तरह के विटामिन्स होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। इतने तरह के विटामिन्स होते हैं, लेकिन हम आज सिर्फ चार तरह के विटामिन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ठीक है। ई और के बारे में बाद में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, फोर्थ स्टैंडर्ड में तुम लोग का सिलेबस में विटामिन डी तक ही है, ठीक है। वो हायर क्लास में जाके एक्स्ट्रा एक्सपांड होगा। तो विटामिन क्या है? विटामिन रहता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ज़्यादा रहते हैं उसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। और विटामिन हमारे खाने में, हमारे बैलेंस डाइट में, रोज के खाने में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या मदद करता है? विटामिन ए हमारे आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। आँख और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है विटामिन ए, ठीक है। कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ए रहता है? प्रेजेंट इन रेड येलो कलर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके अलावा बटर एंड फिश एक्सेट्रा, ठीक है। तो विटामिन ए किस में रहता है? जो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कलर रेड और येलो है उसमें विटामिन ए का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस तरह का जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं आपको खाना चाहिए, जो कि बहुत ही विटामिन रिच खाना होगा। इसके अलावा बटर, मक्खन में और फिश में भी विटामिन ए रहता है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? विटामिन बी हम लोगों को किस तरह से हेल्प करता है? विटामिन बी हमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है उसे ठीक रखने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, मस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, इसको नॉर्मल और ठीक रखने में मदद करता कौन है? विटामिन बी। किस में रहता है? लीवर। लीवर मतलब जो आप मीट खाते हो, मीट में जो लीवर होता है, लीवर खाते हैं बहुत लोग, वो लीवर में होता है विटामिन बी। और होल ग्रेन, होल ग्रेन आटा, होल ग्रेन पास्ता, होल ग्रेन, अभी तो होल ग्रेन में बहुत कुछ मिलता है, तो होल ग्रेन वाला जो आपको मिलता है, मतलब पल्सेस है, सॉरी पल्सेस बोल रही हूँ, होल ग्रेन वाला जो थिंग है उसमें भी आपको विटामिन बी काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं विटामिन सी के पास। विटामिन सी ये हमें किस तरह से मदद करते हैं? विटामिन सी हमारा स्किन और गम को प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन तले स्किन दो कॉमन हो गया, स्किन को प्रोटेक्ट करता है कौन कौन? विटामिन ए भी और विटामिन सी भी, ठीक है। विटामिन ए भी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है, विटामिन सी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी रखता है एक तरह से, ठीक है। स्किन को और गम्स को, गम्स को ठीक रखता है विटामिन सी। हेल्प ओन हीलिंग मतलब कटा हुआ जगह को ठीक होने में मदद करता है विटामिन सी। इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन सी वाला जो फ्रूट और ये है
आप कटे हुए जगह पे लगा दो. नो रॉन्ग, ऐसा नहीं है. विटामिन सी वाला खाना आप अगर खाओगे नॉर्मली रेगुलरली, तो आपका जो कटा हुआ मतलब जो भी आपको घाव वाव होते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, छिल जाते हैं, बच्चे हैं दौड़ते हैं खेलते हैं गिर जाते हैं, हालांकि आजकल के बच्चे बहुत कम ही दौड़ते भागते हैं, पूरा टाइम लैपटॉप कंप्यूटर ESPN. खैर, तो जो बच्चे भागते दौड़ते हैं उन लोग तो कटता है ना उन लोग का हाथ पैर, तो उन लोग का ऊंट को ठीक करने में मदद करता है विटामिन सी. क्योंकि उन लोग अगर प्रॉपर तरीके से विटामिन सी वो लोग खाते रहेंगे तो उन लोग को विटामिन सी, उन लोग को ये ऊंट को हील करने में मदद करेगा. ठीक है, कौन सा फ्रूट्स में रहता है विटामिन सी? विटामिन सी रहता है लेमन में, नींबू, और रहता है ऑरेंज में, नारंगी. ऑरेंज में रहता है विटामिन सी. ठीक है, हो गया. अब हम चलते हैं विटामिन डी के पास. विटामिन डी बोल रहे हमारे पास सबसे लास्ट में आया. ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंच तो गए ना. विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है? बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी करता है. क्या करता है? बोन्स हड्डियां और टीथ दांत, इसको स्ट्रॉन्ग मजबूत करते हैं और स्वस्थ रखता है. कौन है? विटामिन डी. और विटामिन डी हमें किस में मिलता है? एग योक में मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है. मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट, पनीर हो गया, चीज हो गया, दूध खुद हो गया. ठीक है, तो ये सब में रहता है विटामिन डी. इसके अलावा भी आपको विटामिन डी मिल सकता है, पता है कहाँ से? अगर आप ये सब चीज खाते भी हो, इसके अलावा भी आपको मिल सकता है अगर आप सूरज के किरण के सामने जाओगे. मतलब अभी ऐसा नहीं है कि सूरज के सामने खड़ा रहना है, झुलसा जाओगे पागल की जैसा, ऐसा मत करना कभी भी. सुबह सुबह अगर आप जो धूप सेकते हैं, छत पे चले जाइए, ग्राउंड में चले जाइए, तब जो आपको धूप सेकेंगे, धूप से भी विटामिन डी आपके बॉडी में आ जाएगा, जो कि आपको हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है. ठीक है, तो विटामिन्स पढ़ लिए हमने. विटामिन्स क्या पढ़े फिर? विटामिन्स कहाँ रहता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में रहता है. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ज़्यादा रहता है उसे प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है, और ये हमारे डाइट बैलेंस्ड डाइट में रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कितने सारे विटामिन्स हो गया? ए बी सी डी. देखो बहुत ईजी है याद रखना, ए बी सी डी ई तो साथ में ही है. ए बी सी डी ई बोल दो, ई तक चले जाओ, ई के बाद डायरेक्ट जंप करके चले जाओ के पास, इतना ही है. तो हम जानते हैं विटामिन कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन ए बी सी डी ई और के. ठीक है, तो ये हो गया विटामिन. लेकिन हम पढ़े हैं कितना, चार के बारे में, ए बी सी डी. ए क्या है? ए में, ए से क्या होता है? हमारा आँख ठीक रखता है, स्किन हेल्दी रहता है, और जो रेड रेड और येलो वाला जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिलता है. इसके अलावा बटर में, मक्खन में और फिश में भी विटामिन ए मिलता है. विटामिन बी के पास जा रहे हैं. विटामिन बी हमें नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रॉपरली उसको फंक्शनेट हो उसके तरफ ध्यान देता है. तो वो कहाँ रहता है? होल ग्रेन में और लीवर में, मीट मांस का जो लीवर होता है उसमें विटामिन डी, विटामिन बी काफ़ी मात्रा में मिलता है. चलते हैं विटामिन सी के पास, जो कि स्किन और गम को प्रोटेक्ट करता है. क्यों, कैसे करता है प्रोटेक्ट? अगर आप विटामिन सी वाला फ्रूट खाओगे, तो लेमन ऑरेंज अगर आप खाओगे तो आपका स्किन और गम को प्रोटेक्ट करेगा अच्छे से. साथ में आप अगर गिर जाते हो, हाथ पैर कट जाता है, छिल विल जाता है, उस ऊंट को भी ठीक करने में विटामिन सी काफ़ी हद तक मदद करता है, अगर आप रेगुलरली विटामिन सी वाला फ्रूट्स खा रहे हो तो. ठीक है, आप विटामिन डी के पास जाते हैं, जो कि हमारे हड्डियां, बोन्स और टीथ दांत को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हेल्दी रखते हैं. वो किस में मिलता है? एग योक, अंडे का जो पीला वाला पार्ट है उसमें मिलता है, और दूध से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट है. इसका मतलब ये नहीं दूध से बना हुआ आप मिठाई खाते बैठ जाओ, ऐसा नहीं है. दूध से बना हुआ प्रॉपर सॉलिड चीज़, जैसे कि खुद दूध हो गया, उसके अलावा पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये सब में विटामिन डी आपको काफ़ी मात्रा में मिलेगा. इसके अलावा भी अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो आप सुबह सुबह बाहर जाइए, ग्राउंड में जाइए,
छत पे जाइए, तब जो सुबह का जो पहली धूप मिलती है, किरण मिलती है, वो धूप बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, जो कि आपको शरीर में विटामिन डी का मात्रा को हाई करता है। तो हमने विटामिन डी पढ़ लिए है, अभी हम पढ़ेंगे मिनरल, ठीक है। और अभी मिनरल पढ़ेंगे, मिनरल के बाद हम पढ़ेंगे रफेज, और रफेज के बाद हम पढ़ेंगे वाटर, हो जाएगा ठीक है। तो हम मिनरल पढ़ते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है? मिनरल भी एक तरह का हम लोग का हो जाता है पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसको हमारे बॉडी में बोन्स, टीथ और ब्लड फॉर्मेशन के लिए मिनरल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिनरल से हमारा बोन्स, टीथ, जो छोटे बच्चे बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनका बोन्स का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। धीरे धीरे जो दांत आता है, वो दांत का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, तो जिसके लिए मिनरल वो चीज़ सब होने में आपको मदद करता है, ठीक है। तो मिनरल का किस किस चीज़ में, मिनरल आपको कहाँ मिलता है, कितना तरह का मिनरल होता है? आपका हो जाता है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गया पांच तरह का मिनरल, ठीक है। पांच तरह का मिनरल हो गया। सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारे बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। बोन मतलब हड्डियां और दांत, टीथ, इसे स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है कैल्शियम। कहाँ मिलेगा? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। तो कैल्शियम मिल जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में आपको कैल्शियम हो गया, तो दूध हो गया, आपको पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये सब में कैल्शियम मिलेगा, जो कि आपका हड्डियों को और दांत को मजबूत होने में मदद करता है, जो कि एक मिनरल है, ठीक है। साथ में अभी दूसरा हो गया आयरन। आयरन किस चीज के लिए हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आपका ब्लड को, ब्लड सेल्स को ठीक से फॉर्मेशन होने में, तैयार होने के लिए। बॉडी में ब्लड की भी तो जरूरत है, ब्लड सेल्स बनने के लिए, ब्लड अच्छे से तैयार होने के लिए शरीर में, वो हेल्प करता है आयरन, ठीक है। और वो कहाँ से मिलता है हमें? स्पिनच, पालक। आप में से कौन कौन लोग पपाई द शो, पपाई द सेलर मैन देखते हैं? देखते ही होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो पपाई द सेलर मैन, पता नहीं आज देखते हैं कि नहीं, हमारे टाइम में तो देखते थे। तो पपाई द सेलर मैन में दिखाता था, पपाई एक डब्बा को तोड़ता है, उसके उसमें से स्पिनच निकलता है और उसके मुंह में चला जाता है, और स्पिनच खा के एकदम ताकतवर बन जाता है, उसका मसल्स आ जाता है और वो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं भी देखा बहुत बार। तो स्पिनच, स्पिनच से आपको आयरन मिलता है, ठीक है, आयरन मैन बन जाता है। तो स्पिनच से आपको आयरन मिलता है। स्पिनच हो गया, बीटरूट हो गया, एप्पल हो गया, कैरेट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, और रेड मीट, इसमें आपको मिल जाएगा आयरन भारी मात्रा में, जो कि एक मिनरल है। उसके बाद हम जा रहे हैं आयोडीन एंड सोडियम में। आयोडीन और सोडियम किस में मिलता है? आयोडीन और सोडियम हमें मिलता है सॉल्ट में, जो आयोडाइज्ड नमक एडवर्टाइजमेंट में तो देते ही रहते हैं, ये हो गया आयोडाइज्ड नमक, वो हो गया आयोडाइज्ड नमक। अब ढूंढ लीजिए कौन सा आयोडाइज्ड नमक आपके लिए सही है। तो आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन और सोडियम होता है, जो कि आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डेवलप करने के लिए, माथा मतलब ब्रेन और बॉडी का जो डेवलपमेंट है, उसको प्रॉपरली हेल्दी तरीके से डेवलप करने में मदद करता है। कौन? आयोडीन एंड सोडियम, जो कहाँ रहता है? आयोडाइज्ड नमक में, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है?
पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम करता है मसल्स, मसल्स को स्ट्रेच करने की जरूरत पड़ती है एक्सरसाइज करने का टाइम, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सॉरी सॉरी, एक्सरसाइज जब आप करते हैं उसमें आपको मसल स्ट्रेच करना पड़ता है, ये मसल स्ट्रेच करने में पोटेशियम आपको मदद करता है। अभी पोटेशियम रहता किसमें है, स्प्राउट्स में। आप वो रात को चना मूंग भिगा के रखते हैं, सुबह उठ के खाते हैं, आप देखे होंगे आपके पापा या मम्मी सुबह उठ के खाते होंगे, आप भी खाते होंगे, आपको अगर मम्मी पापा अच्छी हेल्थ आपको सिखाए होंगे तो आप भी खाते होंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है वो अगर खाते होंगे तो। स्प्राउट्स जो रात को आप भिगा के रखते हैं और सुबह उठ के उसको खाते हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा अंकुर निकलता है, उसे कहते हैं स्प्राउट्स। अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं दैट इज वेरी गुड। स्प्राउट्स में पोटेशियम रहता है जो कि आपका मसल स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, और रहता है बनाना में, बनानाज में भी पोटेशियम रहता है। तो हमने मिनरल्स पढ़ लिए हैं, तो मिनरल्स क्या करता है और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोन्स, टीथ और ब्लड को फॉर्मेशन करता है मिनरल, तो तैयार करता है। किस किस चीज में मिनरल, मतलब कौन से में मिनरल का कितना सारे टाइप है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये सब में मिनरल्स रहता है। ये मिनरल्स का अलग अलग तरीके का मिनरल्स है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके का मिनरल्स है। और ये मिनरल्स है, कैल्शियम हो गया जो कि आपके बोन और टीथ को स्ट्रांग रखता है, जो कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स में मिलता है। आयरन हो गया जो ब्लड फॉर्मेशन करता है, जो कि आपको स्पिनच में मिलेगा, पालक में, बीटरूट में, एप्पल, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रेड मीट में मिलेगा। साथ में आयोडीन और सोडियम आपको मिलेगा आयोडाइज्ड नमक में, टाटा नमक बोलते हैं, हम भी टाटा नमक ही यूज करते हैं, मजाक, टाटा नमक सॉरी सॉल्ट में मिलेगा आयोडीन और सोडियम, ठीक है, जो कि आयोडाइज नमक है उसमें मिलेगा आपको आयोडीन और सोडियम। और हेल्दी वो क्या करता है आपको मदद, हेल्दी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, आपका ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट को हेल्दी तरीके से होने में मदद करता है। और हमने पढ़े पोटेशियम जो कि हमारे मसल स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो हमें मिलता है स्प्राउट्स में और बनानास में, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़े, न्यूट्रिएंट में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़े, भूल गए, सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे न्यूट्रिएंट में बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स, याद आया। उसके बाद हम पढ़े थे प्रोटीन, फिर फैट, फिर विटामिन, और उसके बाद हम पढ़े हैं विटामिन के बाद पढ़े हैं मिनरल्स, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रफेज एंड वाटर। तब हमारा न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, इसके साथ साथ आपको बैलेंस डाइट भी बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं रफेज और वाटर पढ़ने, ठीक है। और एक बात हम तो बोलने भूल ही गए, हम कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन पढ़े थे और फैट भी पढ़े थे, मुझे अभी याद आया, फैट भी पढ़े थे, ठीक है। और साथ में पढ़े थे हम लोग फैट हो गया, फिर हमने पढ़े विटामिन, फिर हम लोगों ने पढ़े मिनरल्स, फिर अभी हम पढ़ेंगे रफेज। तो हम लोग का लास्ट जो टॉपिक क्या है वो है रफेज एंड वाटर, ठीक है। रफेज क्या है, रफेज क्या काम करता है, क्या है रफेज, फूड दैट कैनॉट बी डाइजेस्टेड कॉल्ड रफेज, कैनॉट बी डाइजेस्टेड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता उसे रफेज कहते हैं, ठीक है। तो किस किस फ्रूट किस किस चीजों में रफेज रहता है, रफेज रहता नहीं है, जो जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है उसे कहते हैं रफेज। वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स एंड सैलड्स में रफेज रहता है,
रफेज एक डायटरी फाइबर है, एक डायटरी फाइबर, फाइबर होता है जैसे आप ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज में आप देखो व्हाइट व्हाइट ऊपर से धागा टाइप का होता है, दैट इज अ फाइबर। मैंगो खाते हैं, मैंगो में जो धागा टाइप का होता है दैट इज फाइबर। तो ये होता है फाइबर। फाइबर आपको बहुत सारे चीजों में हेल्प करता है। वो किस चीज में हेल्प करता है? टू रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में से जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मतलब शरीर को जितना जरूरत है वो ले लेता है, बाकी तो उसको नहीं चाहिए ना, तो उस चीज को हटाने में मदद करता है ये रफेज। ठीक है, कीप्स डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करने में, खाने को हजम करने के लिए जो आपको मदद करता है वो कौन है? वो है रफेज। ये जो फ्रूट्स, सीरियल्स, सैलड और वेजिटेबल्स है जिसमें मतलब जिसमें फाइबर्स रहते हैं, डाइटरी फाइबर रहता है, वो उसे रफेज कहते हैं, क्योंकि वो हमें इस तरह से मदद करता है। वो हमारे बॉडी से जो ज़रूरत नहीं है, वेस्ट मटेरियल है जो ज़रूरत नहीं है, उसे हटाने में बॉडी से मदद करता है, प्लस जो डाइजेस्ट होने में, खाना जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में भी मदद कौन करता है? रफेज। डाइटरी फाइबर जो सब वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में रहते हैं वो हमें मदद करता है। तो रफेज का क्या फंक्शन है समझ में आ गया? रफेज किसे कहते हैं समझ में आ गया? ठीक है, और वाटर, अब हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है आपको पता है? आपके शरीर के 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। आपका शरीर का जितना भी वजन है उसका 3/4 पार्ट तो पानी से ही भरा है। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आउटर बॉडी, अपना जो बॉडी का जो फंक्शन हो रहा है, जितना भी फंक्शन हो रहा है आपका, डाइजेस्ट करना, हजम करना, खाना आपको मेंटली हेल्दी, फिजिकली हर तरह से जो आपको बॉडी का जो फंक्शन होता है उस सबको फंक्शन ठीक से प्रॉपरली करने में कौन मदद करता है? वाटर, पानी। ठीक है, हेल्प्स एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल। खाना जो आप खाते हैं, वो जो फ्रूट वेजिटेबल्स आप खाते हैं, वो सब में से न्यूट्रिएंट पोषण को खींचने में मदद करता है पानी। ठीक है, तो वाटर आपको हेल्प करता है ये सब चीज खींचने में, और साथ में आपका बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जो आपका रफेज काम करता है, उसके साथ साथ पानी भी आपको हेल्प करता है ये क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट मटेरियल को निकालने में पानी भी यूज होता है। आप वॉशरूम जाते हैं तो उसमें से आपका बहुत सारे शरीर का गंदा चीज निकल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वाटर, इज ऑल्सो हेल्पिंग टू रिमूव ऑल द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम योर बॉडी। आपके बॉडी से जो भी चीज़ ज़रूरत नहीं उसे निकालने में पानी भी उतना ही हेल्प करता है जितना रफेज। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या, हमको रोज मस्ट ड्रिंक 8-10 ग्लास ऑफ वाटर डेली। दिन में कम से कम 8-10 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए, उससे ज़्यादा से कम नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ एक्सेसिव भी नहीं पीना है, आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट जितना है उतना पीजिए, लेकिन 8-10 मिनिमम आपको होना ही चाहिए। ज्यादा होगा तो आपका मतलब खराबी नहीं है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, लेकिन 8-10 तो मिनिमम आपको पीना ही है, अगर उसके बाद हम नहीं भी पियेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना आपको पीना ही है एवरी डे, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हो गया, तो रफेज वाटर दोनों हमने पढ़ लिए। वाटर का काम क्या है? हमारे बॉडी को फंक्शन करने में प्रॉपरली हेल्प करता है, साथ में जो खाना हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट को निकालने में, खींचने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने में भी वाटर उतना ही मदद करता है जितना कि रफेज। हमको दिन में 8-10 ग्लास पानी पीनी चाहिए, साथ में ये भी हम आपको बता देते हैं कि हमारे शरीर का जो वजन है उसका 3/4 हिस्सा जो है, ठीक है, वो पानी से भरा पड़ा है। ठीक है, तो हम जितना भी अभी न्यूट्रिएंट पढ़े याद रहेगा, रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, आपका जितना भी आपको कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े, फिर प्रोटीन पढ़े,
फिर फैट पड़े, फिर विटामिन पड़े, मिनरल्स पड़े, फिर हम रफेज पढ़े, वाटर पढ़े, ये जितना भी हम टॉपिक्स आज कवर किए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप दोबारा एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, और मेरा वीडियो अगर देखेंगे आपको इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस तरह से आपको समझा दिया है विथ एग्जाम्पल्स, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, पूरा एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये काफ़ी है आपके दिमाग में रहने के लिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, बस उसके बाद हमारा आज का जो साइंस का टॉपिक है कंप्लीट होगा। बाकी जो हिस्सा है फूड और हेल्थ का पार्ट टू, वो हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है? सॉरी, बैलेंस डाइट है आपका जो भी आप अभी न्यूट्रिएंट पढ़े हो, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट, जितना भी आप पढ़े हो, वाटर, एवरीथिंग, वाटर नहीं है खाना इसमें, तो उसका एक प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए आपके शरीर को प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए। ग्रोथ होने के लिए आपका प्रॉपर बैलेंस चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। So, the diet which has the correct amount of all the nutrients called balanced diet. Correct amount of all the nutrients. All the nutrients, जितना भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी हम पढ़े उसका एक करेक्ट अमाउंट, मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन, मात्रा, प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए खाने में, तो ही वो चीज़ आपको डाइट बैलेंस कहलाएगा। प्रॉपर मात्रा हम कैसे डिसाइड करेंगे? Here it is. सबसे पहले मोर पोर्शन ऑफ कार्ब, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, मोर पोर्शन ऑफ कार्ब, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया? ब्रेड, राइस, ये सब हो गया कार्ब में। आपका विटामिन्स हो गया है, आपका क्या हो गया विटामिन बताइए? विटामिन में बहुत सारे फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, मीट्स आता है, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, वो हो गया। मिनरल्स में, मिनरल्स किस में इसमें है आपको बता चुकी हूँ। ये सब खाना आपका प्रोपोर्शन में ज़्यादा होनी चाहिए। मॉडरेट अमाउंट, मॉडरेट अमाउंट मतलब ना ज़्यादा ना कम, मीडियम काइंड ऑफ पोर्शन। आपका प्रोटीन होनी चाहिए, प्रोटीन आपको किस में मिलेगा ज़्यादा? फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो जाता है, ऑयल, नहीं सॉरी, ऑयल तो फैट में है, ये जो चीज़ें हैं उसमें हो गया आपका प्रोटीन। और लिटिल अमाउंट ऑफ फैट, फैट आपको थोड़ा ही लेना है, ऑयल बोलिए, नट्स बोलिए, घी, बटर, जो भी बोलिए, ये आपको थोड़ा ही खाना है, और ये हो गया आपका प्रॉपर बैलेंस डाइट। इसी तरह से अगर आप ठीक से खाना खाएंगे तो आपका बॉडी ग्रोथ प्रॉपरली होगा और आप हेल्दी रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। खास करके सबसे पहले तो मम्मी पापा का बात सुनना है, खास करके मम्मी की, क्योंकि वो आपका खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं और उनका बात तो सुनना ही है, वो जो खाने बोलेंगे वो खाना है। ठीक है, तो ठीक से खाना खाना है, ठीक से ग्रोथ होना है, तभी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन होगा, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे और तभी आप स्कूल में बहुत आगे जाओगे और आपकी लाइफ में भी बहुत आगे जा सकोगे। ठीक है, तो ज्ञान बहुत ज़्यादा बांट दिए मैंने, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभार टीचर लोग बांट देते हैं ऐसा ज्ञान, तो उसमें से सुनने का लेकिन उसको। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो रहा है, पार्ट वन हो चुका है, नेक्स्ट वीक हम बाकी का जो है पोर्शन पढ़ेंगे। इसको आज आप अच्छे से पढ़िए, और आपको यहाँ पे अगर कुछ, कोई भी टॉपिक, जितना भी टॉपिक मैंने आज कवर किया है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, सो आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, नो इश्यूज, कितने बार भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नो वरीज, और ध्यान से पढ़िए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। आज तो बहुत सारा ज्ञान बांट दिए खाने पीने के बारे में, उसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए और खुश रहिए। तब तक आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है,
चलिए बाय बाय।